शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जहां केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार समय समय पर कदम उठा रही है, तो वहीं सरकार द्वारा रिजर्व व जनरल कैटेगरी के अलग अलग कोटे निर्धारित करती है, तो वहीं जब दाखिलों की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसी संदर्भ में सीटों का कोटा निर्धारित रहता है। लेकिन वहीं छात्रों का कहना है कि अगर रिजर्व कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं तो खाली सीटों पर जनरल कैटेगरी का दाखिला दे देना चाहिए। वहीं उस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई रिजर्व कोटे का छात्र आता है तो उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए, अन्यथा बची हुई सीटों पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को भी स्थान दे देना चाहिए, जिससे महाविद्यालय में खाली रहने वाली सीटों का लाभ छात्र उठा सकेंगे। लेकिन इस बारे में महाविद्यालय की मैनेजमेंट टीम कानूनी प्रक्रिया के कारण जनरल कैटेगरी के छात्रों को दाखिला देने में असमर्थ है। लेकिन सरकार द्वारा अगर कोई गाइडलाइन दी जाए जिसके तहत रिजर्व कोटे की खाली सीटों पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को दाखिला देने की प्रक्रिया शुरू कर सके। लास्ट डेट वो आज स्लिप दे रहे हैं, जो कल पास बनवाने के लिए जो फॉर्म दिए थे वो आज स्लिप दे रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं उन कल दे रहे हैं। बाकी सर प्रॉब्लम बहुत हो रही है यहाँ पर, बार बार स्लिप के लिए आना पड़ता है, बसों के किराए हमें खुद देना पड़ता है, जल्दी स्लिप नहीं दे रहे। आज अब दे रहे हैं जी, पहले कह रहे थे नहीं देंगे, आज कभी घर जा रहे हैं जी, कभी आ रहे हैं, बार बार बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं बीए में ले रहा हूँ जी एडमिशन, यहाँ पर जो लाइन लगी बीए वालों की है जी लगभग, तो जब से एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर जी, यहाँ पर एक ही काउंटर है जी, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, और एक काउंटर पर हज़ारों बच्चे लाइन लगाते हैं जी, और किसी बारी भी नहीं आती बार बार, और प्रॉब्लम होती है जी बहुत बार, कम से कम 5-7 बार तो लाइन में लग गए जी, और दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लगने रहना पड़ता है। टोटल का तो पता नहीं जी, बाकी खाली का मेरे को इतना पता नहीं जाना। यहाँ पर जी कुल 1120 सीटें हैं, जिसमें से 18 सीटें बाकी रही है, और यहाँ पर आप भीड़ देख रहे हैं जी, लगभग 200-300 फार्म भर चुके हैं जी, इसके कारण सीटें बढ़नी चाहिए कुछ तो। बीएससी मेडिकल सीटें जी 380 सीटें हैं जी, बोले मेडिकल में 80 सीटें हैं जी जी, आज लास्ट डेट है। ये तो पास की लाइन है सर, बस पास बन रहे हैं उसके लाइन है सर, अभी शुरू हुई है, लाल पास बन रहे हैं, उसके बाद में सही ढंग से क्लासेस शुरू हो जी। देखिए सबसे पहले मैंने अपना फॉर्म भरा, मेरे फॉर्म भरने के बाद उसको मैंने सबमिट करवाया, पहले उसको मैंने क्या कहते हैं उसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया उसको, फिर उसको यहाँ पे जमा करवाया मैंने, जमा करवाने के बाद मेरा लिस्ट में नाम आ गया, पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उसके बाद मैंने ऑनलाइन फ़ीस भरी और उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया और कोई दिक्कत नहीं आई। जो अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर जैसे आर्ट्स के अंदर जो है 1120 सीटें हैं टोटल, जिसमें अगर कल की काउंसलिंग के अलावा उसको छोड़ के 1092 जो है उनका एडमिशन हो चुका है, बच्चों ने ले लिया एडमिशन इतना। और बीएससी में बीएससी मेडिकल के अंदर 160 है और उसमें 149 का स्टेटस है, 149 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और नॉन मेडिकल में 240 सीटें प्लस कंप्यूटर की 80 सीटें हैं, टोटल 320 हो गई। 320 में टोटल जो है 276 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। और कॉमर्स में 240 सीटें हैं टोटल, उसमें 218 ने लिया है। और ऑनर्स बीए ऑनर्स जो अभी स्टार्ट हुई है इस साल इसके अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर 40 में से 19 ने कल तक के स्टेटस में है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, हो सकता है काफ़ी बच्चे आ जाएंगे उसमें कल के जो फिजिकल काउंसलिंग के बच्चों को मिलाकर ज़्यादा हो जाएगी। और इवनिंग में 240 है, जिसमें अब तक स्टेटस 41 का है बच्चों के एडमिशन लेने का। ये है अब जो सिचुएशन कैटेगरी, तो जब लास्ट काउंसलिंग होती है या जो वेटिंग लिस्ट लगती है उसमें सारी कैटेगरी जो है वो 2000 कन्वर्टेड इनटू जनरल कैटेगरी एक्सेप्ट एससी कैटेगरी जो है। तो एससी कैटेगरी में बीए के अंदर तो लगभग फील्ड है, बाकी में जो कम है सीटें वो हो सकता है एससी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो उन वो सीटें लगभग खाली रही हैं। रूल्स तो जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है हम उन्हीं को इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे भी आते हैं। नहीं पिछले साल का अभी तो नहीं है मेरे पास आंकड़ा देना, पिछले साल का तो वो हो गया और कमेटी का जैसे भी था तो आंकड़ा है नहीं। अच्छा रहता है, उनको पूरा सहयोग मिलता है, पोर्टल खुला है अभी, अब पोर्टल खुला भी है उनके लिए, कोई भी अब चाहे जैसे पोर्टल बाकी जो मॉर्निंग में था आर्ट्स के अंदर है या जो भी साइंस के अंदर था वो पोर्टल बंद हो चुका था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन इवनिंग में टीचर्स ने
क्योंकि बच्चों की तरफ से प्रेशर आया है, थोड़ा वो लेना चाहते हैं, उसी बेस पे पोर्टल खुला है, अभी पोर्टल खुला भी है, वो अप्लाई भी कर सकते हैं फ्रेश फॉर्म। ऐसा सिचुएशन है भी नहीं क्योंकि काफ़ी सारी बढ़ चुकी हैं, लगभग बढ़ चुकी हैं, जनरल में कोई बचा भी नहीं है, ऐसा स्टेटस भी नहीं। हमारे यहाँ पे दो संकाय है, वाणिज्य और कला, 420 तो है, 30 तो है आर्ट्स की कला वर्ग की, और 160 है वाणिज्य वर्ग। अभी तक कितने फेल हो चुके हैं? अभी अब हमारी जितनी भी सीटें थी वो सारी भर गई है, सब बच्चों ने फीस जमा करा दी। वाणिज्य के अंदर 10 एसी की सीटें बची हुई थी, तो कोई बच्ची प्रतीक्षारत सूची में आई नहीं, उस वजह से वो खाली रही। नहीं, वो अगर एसी आता तो हम उसको प्राथमिकता देते हैं, अगर एसी प्रतीक्षा के बाद भी नहीं आता तो उसका समायोजन करते हैं। हाँ, वैसे जो प्रवेश प्रक्रिया है वो एक तरह से बच्चों के लिए उतार चढ़ाव वाली तो है ही, चिंता में भी डालती है, पर अच्छे बच्चे होते हैं, होनहार होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, उनको प्रवेश मिल जाता है। और जिनको फॉर्म भरना ही नहीं आता, प्रार्थना पत्र देना ही नहीं आता, ऑनलाइन टाइम पे कुछ नहीं करते हैं, ये फिर दूसरे तरीके अपनाते आया है, मुर्दाबाद करते हैं। बाकी अच्छे बच्चे होते हैं जो गुणी हैं, संस्कारवान हैं और अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, वे बच्चे एडमिशन पा लेते हैं, उनको वंचित नहीं होना पड़ता, उन्हें निराश भी नहीं होना पड़ता, हताश भी नहीं।